आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोरखनाथ थाना क्षेत्र में बीटेक छात्र का लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली लगने से हुई मौत, तफ्तीश में जुटी पुलिस। SPCT ने कहा प्रथम दृष्टया मामला खुदकुशी का। कैंट थाना क्षेत्र में शनिवार की देर रात पैथोलॉजी संचालक के पिता से बदमाशों ने की 4.5 लाख की लूट। पैथोलॉजी से रुपया लेकर पैदल जा रहे थे घर। SPCT ने कहा नामजद मुकदमा दर्ज कर की जा रही है कार्यवाही, जल्द होगा खुलासा। शासन के निर्देश पर श्रमिकों को दिए जाने वाले 1,000 रुपए के आर्थिक मदद के लिए पंचायती राज विभाग के 350 कर्मचारी कर रहे हैं डाटा फीडिंग का कार्य। DPRO ने कहा अब तक 22,000 श्रमिकों का हो चुका है डाटा फीडिंग। गोरखपुर में रविवार को दूसरी लहर में पहली बार मिले दहाई के नीचे मात्र 8 नए कोरोना संक्रमित मरीज, एक की हुई मौत। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,168। अब तक 823 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके अपनी जान। 372 हुए एक्टिव मरीज, CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। सेट्रान माइक्रो फाइनेंस के कर्मचारियों का कराया गया वैक्सीनेशन। जोनल मैनेजर ने कहा वैक्सीनेशन से कोविड संक्रमण पर लगेगा लगाम। नाइट कर्फ्यू में सिविल डिफेंस ने लोगों को कोरोना संक्रमण के प्रति किया जागरूक, कहा अपने और अपने परिवार के लिए अवश्य लगाएं मास्क। मारवाड़ी सेवा समिति के तत्वावधान में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन, लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा, किया रक्तदान। रविवार को रिमझिम बारिश से उमस भरी गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग के अनुसार 2-3 दिनों तक है बारिश के आसार। और कोरोना संक्रमण पर प्रभावी लगाम लगाने के दृष्टिगत लगाया गया 2 दिनों के साप्ताहिक बंदी का रविवार को भी देखने को मिला असर। SPCT ने कहा बेवजह घूमने वालों पर होगी विधिक कार्यवाही।